day after the tribute to those who were martyred in the parliament attack of 2001, in the Rajya Sabha, Trinamool MP Derek O'Brien made an emotional appeal for the widow of ANI spokes camera person Vikram Bisht. CNN-IBN had aired the story of the 2001 parliament attack victim on its show last night. Vikram Bisht, the camera person of ANI, who first received a bullet injury in the spine and subsequently died at AIIMS. His wife, his widow, and his family have been running all around the place for the last 10 years, and he was the 10th person who was killed in those attacks. And in fact, yesterday, when those 9 pictures were put up there, his picture wasn't even there, understandably maybe because he was a private citizen. But can we do something for this gallant media person's wife, his widow, and his family? Derek O'Brien reacting to CNN-IBN story. In fact, the widow of late ANI camera person Vikram Bisht spoke to our editor-in-chief Rajdeep Sardesai and said that she had received no help from the government. सुनीता बिष्ट जी, मैं आपके पति को जानता था, वो हमारे साथ काम करते, वो कैमरा पर्सन थे ANI में। एक तरह से आज भी जब मैं देख रहा था फोटोग्राफ जो लगे थे उस श्रद्धांजलि में पार्लियामेंट में, सब पुलिस अफसरों के लगे थे, कांस्टेबल्स के लगे थे, लेकिन आपके पति का फोटोग्राफ भी नहीं था। कहीं आपको लगता है कि लोग भूल गए हैं कि और एक कि कैमरा पर्सन भी उस हमले में मर गया, उनको भी गोली लगी, और आपको कोई पेट्रोल पंप तो कुछ नहीं मिला होगा? मुझे सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। ये बेटा साहब मुझे मुरली देवरा के पास ले गए, सोनिया गांधी को हमने कई लेटर दे चुके हैं, शीला दीक्षित के पास मैं 2 बच्चे लेके गई तो सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की। वो फोटो क्यों लगाएंगे वहाँ? क्योंकि उन्होंने दिखाया है कि पूरे ऑल इंडिया में बाहर कि हमारे संसद में हमला हो रहा है। हमारे पुलिस ऑफिसर जो वो उनको मार रहे थे वो दिखा रहे थे कि हमारे देश में ऐसे ऐसे आतंकवादी घुस गए, वो संसद को उड़ाना चाहते। हमारी सरकार क्यों दिखाएगी उनको? क्योंकि वो एक बहादुर कैमरामैन थे, उनके लिए तो मुझे बहुत गर्व है। और क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी से थे, सरकार से नहीं थे, इसलिए उनका फोटो भी वहाँ नहीं लगा। बात यही आती। और आपको किसी सरकारी अफसर का कोई नहीं आया आपको कि नौकरी देनी है आपको या कुछ भी मदद करने के लिए? इतने सालों में कोई नहीं आया, कोई भी नहीं। ये सहायता की तो अमेश बेटा ने की, हमारी किसी ने पूछा तक नहीं। वो पेपरों में तो वादा किया गया था कि हम विक्रम बिष्ट के परिवार के साथ हैं जी, तो कोई ने उसके बाद कोई आश्वासन नहीं दिया। मैं गई भी हूँ मिलने, उनके कोठी तक गई मैं मिलने, अपने 2 छोटे छोटे बच्चे उस समय मेरी। किसके कोठी तक? शीला दीक्षित की कोठी गई मैं, ये बिट्टा साहब लेके गए मुझे, लेकिन कुछ नहीं मिला था। मुरली देवरा के पास गई मैं, किसी ने सुनवाई नहीं की कि मतलब ये प्राइवेट जॉब वाली है, इसका पति एक कैमरामैन प्राइवेट कैमरामैन था।